नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में इस पीटी के विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पीटी परीक्षा के लिए जो है एग्जाम हेतु जो है बिगुल बज चुका है, तो हम सभी लोगों को उसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है और अपने मुहिम को सफल बनाने के लिए जो है अपने अभ्यास प्रश्न और अपने जो है सिलेबस पर एक बार फिर से मजबूती के साथ जो है काम करने की जो है जरूरत प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम अब सिलेबस आधारित जो है यहाँ पर लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं, तो जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है संविधान एवं लोक प्रशासन, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में जो हमारे जीएस के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था होता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का टॉपिक रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से उसके सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे और वहां पर लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल एक टॉपिक रखा गया है, जिला प्रशासन। तो सबसे पहले हम संविधान एवं राज व्यवस्था को अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पॉइंट वाइज सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षिप्त में, जिससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किन किन जो टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है संविधान की विशेषताएं, पहला टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है मौलिक अधिकार। यद्यपि आपके सिलेबस में उसे मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक तत्व लिखा है, लेकिन हम उसे क्रम से देखने का प्रयास करेंगे, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। इसी तरीके से संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन। अब संघीय शासन में जो है केंद्र राज्य संबंध भी रखा गया है। केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च न्यायालय, यौम उच्च न्यायालय को रखा गया है, उच्च न्यायालय को रखा गया है। इसके बाद यहां पे जिला प्रशासन जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो मूलतः इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपकी पोस्टिंग विभिन्न डिपार्टमेंट में जो है जनपद में होती है, तो ऐसी स्थिति में जिला की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि कई बार जो है पत्राचार में कई बार आदेश और निर्देश को प्राप्त करने और देने में स्थिति से जो है अवगत होते हुए उसका क्रियान्वयन करना आसान हो सके आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन रखा गया है। और जैसा कि जानकारी है जिला प्रशासन में जिले स्तर पर जो प्रशासनिक जो मुखिया होता है वो जिला अधिकारी होते हैं, जिनकी भूमिका सामान्य रूप से तीन प्रकार के कार्यों में देखने को मिलती है। एक तो ये होता है कि वो जिले के सभी विभागों में समन्वय का कार्य करते हैं, तो समन्वय का काम करने की स्थिति में वो जिला अधिकारी होते हैं। पूरे जिले में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो भूमिका होती है वो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के रूप में होती है। और जब वो पूरे जिले के राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में काम करते हैं, राजस्व के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो वो जो है कलेक्टर, यानी कि जो है जिला कलेक्टर के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कई जगहों पर जब हम इतिहास में जो है पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसका नाम जो है कलेक्टर के रूप में ही आता है, क्योंकि वहाँ पे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पद का सृजन ही राजस्व के संग्रह के लिए जो किया हुआ था। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन की यहाँ पे बात की जाती है। अगला है स्थानीय स्वशासन। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आपके परीक्षा के लिए जो है ये सिलेबस जो है डिजाइन किया गया है, बहुत ही रोचक जो है सिलेबस है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है, और बहुत ही जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा उपयोगी टॉपिक है, जो हम एक एक करके जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो सिलेबस में संविधान की विशेषताएं पहला टॉपिक रखा हुआ है, लेकिन हम संविधान की विशेषताएं टॉपिक को जो है जस्ट प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व में थोड़ा सा हम
इसके डिटेल को जो है देख लेते हैं, संविधान की क्या विशेषता, संविधान के निर्माण, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, तो वो आपके जो है समझने के लिए जो बढ़िया होगा और एग्जाम में जो है आप विशेषता और अन्य टॉपिक से संबंधित सवालों को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा हम जो है संविधान निर्माण और संविधान निर्माण के पूर्व की जो है संध्या पर देश की स्थिति को समझने का जो प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे दो दो टॉपिक जो है बनते हैं, एक जो है संविधान निर्माण बनता है संविधान निर्माण और दूसरा जो है पूर्व व्यवस्था। इस दो टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, तो जिस इसके माध्यम से हमें पूरे संविधान को समझने में और इससे संबंधित सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। तो संविधान का निर्माण चूंकि संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में जो है संविधान सभा की मांग की गई थी और यह विचार व्यक्त किया गया था कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। और 1934 ईस्वी में अगर देखा जाए तो M.N. राय के द्वारा भी जो है संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। और 1935 ईस्वी में पहली बार 1935 ईस्वी में देखा जाए तो पहली बार जो है कांग्रेस उस समय एक ऐसा जो है संगठन था जिसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रयास किया जा रहा था और उसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। वार्षिक अधिवेशन सामान्यतः उसका दिसंबर में हुआ है और कुछ विशेष अधिवेशन रहे हैं जो अलग महीनों में भी रहे हैं, लेकिन दिसंबर में उसके अधिवेशन सामान्यतः होते थे। तो 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने जो है पहली बार संविधान सभा की जो है मांग की और ये व्यक्त किया विचार कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होना चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी जो है संविधान सभा की जो है मांग की गई और इसका समर्थन किया गया। अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे बीच बीच में बताया जा रहा है कि 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव और 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, यानी कि उसमें कई प्रकार की शर्तें लगाई गई और वो हो चुकी इतिहास का विषय है। तो हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त में उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विश्लेषण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने का प्रयास किया जाए कि सैद्धांतिक रूप से 1940 और 1942 के क्रिप्स मिशन में उसने किया, लेकिन भारत में जो गठन हुआ संविधान सभा का, वो संविधान सभा का गठन वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के ये तीन लोगों का जो है एक संक्षिप्त जो है समिति या संगठन कह सकते हैं जो कि भारत में जो है आया और 1946 ईस्वी में देश की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया, यानी कि स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। तो ये 1946 में एक इम्पॉर्टेंट मिशन था, एक इम्पॉर्टेंट जो है आगमन था अंग्रेजों की तरफ से, इसलिए इसको समझना आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो कैबिनेट मिशन ने जो है इसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर देश में संविधान सभा का गठन किया गया। स्वीकार तो 1942 में सैद्धांतिक रूप से कर लिया था, लेकिन जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है इसका गठन हुआ। अब कैबिनेट मिशन ने जो है यहाँ पे संविधान सभा के गठन के लिए जो है कुछ निर्देश बनाए, उसमें ये था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाएगा। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का जो है वो गठन किया जाएगा और इस आधार पर 389 सदस्य जो है पूरे देश से मिलकर के आ रहे थे और पूरे देश के जो क्षेत्र को तीन प्रकार के भागों में मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीन क्षेत्रों में जो है बांट दिया गया। मुस्लिम क्षेत्र में, सिख क्षेत्रों में और सामान्य क्षेत्रों में जो है इन तीन क्षेत्रों में
पूरे देश के जो है निर्वाचन क्षेत्र को बांट देने का काम किया गया और टोटल संख्या जो 389 थी। इस आधार पर जो है संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई 1946 ईस्वी में। ये सब इंपॉर्टेंट डेट एंड फैक्ट है कि जुलाई 1946 जुलाई 1946 ईस्वी में जो है देखा जाए तो जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए और इस चुनाव के आधार पर 2 सितंबर 1946 ईस्वी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का तात्पर्य यह है कि जब तक अस्थाई व्यवस्था नहीं हो जाती है तो इस समूह या सरकार के द्वारा देश का संचालन किया जाता रहेगा। 2 सितंबर 1946 जब में कई बार पूछा गया प्रश्न, इसलिए यहां पर इसका उल्लेख किया जा रहा है और आप लोगों को इससे ध्यान में रखने की जो आवश्यकता है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठन किया गया। अब यहां पे सरकार जो व्यवस्थाएं थी वो 6+5+3 कितना हो गया 14। ये 14 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में जो थे 14 सदस्य जो है अंतरिम सरकार में थे 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो है इसका गठन किया गया। लेकिन अब समस्या यहां पर आती है कि चुनाव में चूंकि सरकार चुनाव में कैबिनेट मिशन के जो इस प्रस्ताव पर चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को सीटें कम मिली अपेक्षाकृत, ऐसी स्थिति में जब जुलाई में यहां पर जुलाई 1946 में चुनाव होता है तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को इसने क्या किया, सीधी कार्रवाई प्रारंभ कर दिया और वो पूर्व में जो भी व्यवस्थाएं थी उसको मानने से इनकार कर दिया और वो अब अपने सिद्धांतों पर पूर्व में जो घोषणा भी किया था वो जो है पाकिस्तान के मांग के आधार पर या अलग मुस्लिम राष्ट्र के आधार पर दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यहीं से जो है समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई। तो ये थे हम लोगों ने देखा संविधान सभा के गठन के लिए जो इस तरीके की जो है प्रगति। अभी इसका एक और चरण थोड़ा सा है, इसको समझने लेना भी आवश्यक है कि जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तो वहां पे फरवरी 1947 ईस्वी में क्लीमेंट एटली जो कि वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो घोषणा किया कि जून 1948 के पहले जो है भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यही जो है क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र कहलाता है और इसी को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे वायसराय बना करके जो भेजा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है यहाँ के नेताओं से बातचीत किया और उनका मुख्य उद्देश्य जो कि लॉर्ड माउंटबेटन का था उसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे आकर के स्वतंत्रता प्रदान करते हुए देश में सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, स्वतंत्रता प्रदान करते हुए देश में सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। लेकिन नेताओं से बातचीत के बाद कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला और एकमात्र विकल्प भारत का विभाजन ही बचा। तो ऐसी स्थिति में 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत किया गया जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह मूलतः विभाजन की जो योजना थी और इसे जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो है पारित कर दिया गया और यह 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है पास हो गया। अब इसके पूर्व अगर देखा जाए तो एक और डेट इंपॉर्टेंट है कि 15 जून 1947 ईस्वी को इसे कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति और जो है महासमिति के द्वारा जो भी इसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उस वक्त जो है देश के समक्ष ऐसी समस्याएं थी, संकट था कि कोई अन्य विकल्प नहीं था कि उसमें जो है प्रस्तुत किया जाए और व्यवहारिक स्तर पर उसका क्रियान्वयन हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो है यहां पर कांग्रेस की जो है कार्यकारी समिति के द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को अधिनियम पारित हो गया तो ये 18 जुलाई तो 3 जून को माउंटबेटन योजना और ये जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारत में जो है स्वतंत्रता अधिनियम को जो है पारित कर दिया गया और इसके अनुसार इसी में भी डेट बनाया गया कि
15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के नाम से दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है डोमिनियन, डोमिनियन, इसके भी मतलब को समझना है। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट बनाया गया। अब डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब है? डोमिनियन स्टेट एक ऐसा जो है काल होता है, एक ऐसे क्षेत्र के लिए, भूभाग के लिए एक ऐसा काल होता है, पीरियड होता है, जहां पर स्वतंत्रता तो मिल गई होती है परंतु वहां अपने द्वारा बनाए गए जो है कानून के आधार पर शासन संचालन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, बल्कि वह दूसरे देशों के द्वारा बनाए गए शासन से जो है संचालित होता है, वहां के नियमों से संचालित होता है। तो 15 अगस्त 1947 और संविधान के लागू होने की तिथि यानी कि 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय था, लगभग 3 साल के आसपास का, वही स्थिति क्या कहलाती है? डोमिनियन स्टेट। मतलब क्या होगा डोमिनियन स्टेट का? मतलब एक ऐसा भूभाग जो स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लेता है परंतु अपने के द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो स्थिति होती है डोमिनियन स्टेट। यानी कि 15 अगस्त 1947 से दो डोमिनियन स्टेट हो गए। इन दोनों ही लोगों को अपने विदेश नीति के बनाने के लिए भी स्वतंत्रता प्रदान की गई, अपने संविधान का निर्माण करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई, और जब तक व्यवस्था नहीं बन जाती है तब तक ये अपेक्षा की गई कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 से शासित होते रहेंगे। तो ये व्यवस्था जो है स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन जो है अधिनियम के माध्यम से 18 जुलाई 1947 में व्यक्त कर दी गई जो है। तो ये जो व्यवस्था थी वो संविधान निर्माण के पूर्व की व्यवस्था थी, जिसको हम लोगों ने इस तरीके से देखा 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा, 1935 ईस्वी में आकर के देखा जाए तो कांग्रेस के द्वारा, 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पर जो है अपने विचार व्यक्त किए गए, और 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, और इसके बाद जो है जुलाई 1946 में चुनाव हुए, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और अंतरिम सरकार में 14 जो सदस्य थे, 6 जो है कांग्रेस से जो थे, 5 जो है मुस्लिम लीग से थे, और 3 जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से थे। तो इस प्रकार से 14 सदस्यों की बात की गई। लेकिन यहाँ पर चुनाव में स्थिति जो है मुस्लिम लीग को अच्छी सीटें न मिलने के कारण से वो 16 अगस्त 1946 से सीधी कार्रवाई प्रारंभ कर दिया, और अपने जो पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार द्वि राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। और ऐसी स्थिति में जो है क्लीमेंट एटली की जो घोषणा पत्र आता है फरवरी 1947 ईस्वी में कि जून 1948 के पहले घोषणा कर दी जाएगी, इसी को ही क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र कहा जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित कर दिया जाता है, जिसके अनुसार जो दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट हो जाते हैं, और अपने स्थायित्व को जो प्राप्त करने के लिए देश में बेहतरी के प्रयास के लिए जो संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं उन दोनों व्यवस्थाओं में से जो है इन दोनों व्यवस्थाओं में से इसको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण को हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान निर्माण की व्यवस्थाएं किस तरीके से थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है इसकी पहली बैठक होती है, यानी कि पहला अधिवेशन यहाँ से जो प्रारंभ होता है, और इसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसका अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन 11 दिसंबर को, यह एक कर्मिक जो है तिथि है इसलिए इसको ध्यान में रखना आवश्यक है, और ये सभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। और एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है जो कि सामान्यतया नहीं मिलता है, वो इसके उपाध्यक्ष जो पहले थे 9 दिसंबर में वो अस्थाई अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष
और यचियस यचियस उपाध्याय को जो है यचियस उपाध्याय को जो है यहां पर जो है उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष जो है यचियस उपाध्याय बनाए गए। 13 दिसंबर अभी हम इसी डेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें उद्देश्य संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर ये कर्मी परिवर्तन व्यवस्था चल रही है, और ये 22 दिसंबर के बाद अगला, चूंकि 23 है 13 दिसंबर है, तो इसके बाद जो है अगला माह जो होगा वो जनवरी आएगा, तो जनवरी जो है यहाँ पे वर्ष भी जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि 1947 हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को इसे जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट जो है प्रगति थी, और उद्देश्य प्रस्ताव में सामान्यतः प्रस्तावना के ही तरह से जो है कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य और कार्यक्रम थे कि देश का स्वरूप क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा, संसदीय होगा, पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। एक मोटा मोटा खाका यहाँ पर देने का प्रयास किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सदन में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार भी कर लिया गया। ये व्यवस्थाएं जो थी संविधान निर्माण की दिशा में थी। संविधान में जो है एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि चूंकि जब मुस्लिम लीग बाहर हो गई तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई। जहां पहले जो है 389 थी, 389 सदस्य थी, वहीं अब जो है ये 299 हो गई, यानी कि भारत के लिए जो वर्तमान में बनाई गई संविधान सभा के द्वारा संविधान था वो 299 सदस्यों के माध्यम से बनाया गया था। जबकि कैबिनेट मिशन में अगर देखा जाए तो वहां पे इसकी सदस्य संख्या 389 थी। संविधान के अंतर्गत संविधान सभा में संविधान निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी, और इन समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। अब इसमें जो है 8 महत्वपूर्ण समितियां थी, संघ, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय वार्ता समिति, ये तीनों ही जो है के अध्यक्ष नेहरू जी थे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय वार्ता समिति नेहरू थे। नियम समिति और संचालन समिति, ये दोनों के जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों के, ये तीन जो है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक है, दो है और तीन है, ये चार और पांच के जो है राजेंद्र प्रसाद हो गए। और उसके बाद जो है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार यौन अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित जो परामर्श समिति, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। इन दोनों के जो है अध्यक्ष पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, जैसे यहाँ पे संघ संविधान समिति है वैसे यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति थी, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित जो है वो परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष थे
वल्लभ भाई पटेल। एक अगला जो है जो महत्वपूर्ण भी था वो था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी। तो आठ महत्वपूर्ण जो है ये समितियां बनकर के बनती हैं और इन आठ महत्वपूर्ण समितियों से ही जो बार बार सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। एक्चुअली यहां पे एक और सवाल भी पूछा जाता है जो अक्सर क्रिएट करता है झंडा समिति को लेकर के, झंडा समिति। यहां पे ध्यान में रखना होगा झंडा समिति कोई ऐसी समिति नहीं थी बल्कि ये तदर्थ के रूप में जो है काम कर रही थी। तो तदर्थ के रूप में जो काम कर रही थी इसके अध्यक्ष भी जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद, तदत झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब यहां पे दो उप समितियां थी उसको भी देख लेना है, एक मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित जो है उप समिति, और एक था अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उप समिति। तो ये दो उप समितियां थी, एक तदर्थ समिति, यानी कि तीन प्रकार की समितियां होगी। एक जो है अस्थाई समितियां इस रूप में काम कर रही थी जो आठ महत्वपूर्ण थी, और एक तदर्थ समिति के रूप में झंडा समिति थी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और दो जो है उप समितियां थी मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति, और दूसरा जो है अल्पसंख्यक जो है लोगों से संबंधित उप समिति। तो यहां पर जो है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी जो जी थे वो इसके अध्यक्ष थे, और इसके अध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। तो ये जो है समितियां क्लियर हो जाती हैं कि ये आठ समिति थी और उसपे एक जो है तदर्थ समिति थी और दो जो है उप समिति थी जिसके माध्यम से संविधान काम कर रहा था। यहां पे प्रारूप समिति को हम लोग थोड़ा सा जो देखने का जो प्रयास करते हैं, प्रारूप समिति को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में भी एक सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता कि कहां से चुने गए थे। चुने तो ये बंगाल से गए थे, पूर्वी क्षेत्र से, लेकिन चूंकि वो क्षेत्र बाद में जो है वो पूर्वी बंगाल में या जिसे बाद में बांग्लादेश कहा जाता है उस क्षेत्र में चले जाने के कारण से इन्हें जो है मुंबई जो प्रेसिडेंसी के जो पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में जो है निर्वाचन के माध्यम से जो है शामिल किया गया था। तो ये दोनों ही फैक्ट एंड फिगर्स को आपको समझने की जो है आवश्यकता है कि चुनाव इनका पहली बार बंगाल से हुआ था। अगर चुनाव सीधा पूछता तो चुने वहीं गए थे, लेकिन इन्होंने संसदीय संविधान निर्माण में काम कहाँ से किया था वो तो मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूना संसदीय क्षेत्र से किया गया था। तो इस समिति का जो काम था इसके अध्यक्ष ये थे और इसमें जो है सात अन्य सदस्य थे जो है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसमें जो है सदस्य अध्यक्ष थे और ये सात लोगों से मिलकर के जो बनी हुई थी इसमें प्रारूप का निर्माण फॉर्मेट का तैयार करना था। विभिन्न देशों के जो संविधान से जानकारियां प्राप्त होती थी उसकी फॉर्मेटिंग करने का काम इसका काम था। और इसने इस काम को 21 फरवरी 1948 को जो पूरा कर लिया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो प्रारूप समिति के संदर्भ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो 29 अगस्त 1947 और दूसरा 21 फरवरी 1948। इस डेट पर जो है इन दोनों ही डेट को इसमें इंपॉर्टेंट है और ये दोनों डेट के जो माध्यम से प्रारूप समिति ने काम किया। ये सात लोगों से मिलकर के बनी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें एक सदस्य डीपी खेतान का निधन हो गया था और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था और एक सदस्य बीएल मित्तल थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और बीएल मित्तल के स्थान पर एन माधवाचारी को लाया गया था। तो इस तरीके से जो है प्रारूप समिति की स्थापना, रिपोर्ट, कार्य, सारी चीजें जो है करने का जो प्रयास किया गया। अब इसमें जो है इसका जो
ग्यारहवां अधिवेशन था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही आपको जानकारी होना चाहिए कि संविधान को जो है परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि लागू कर दिया गया। इसके महत्वपूर्ण भाग जैसे संसद थे, अस्थायी व्यवस्थाएं थी, नागरिकता थे, संबंधित प्रावधान को लागू कर दिया गया। और इसका जो 12वां अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 इसी तिथि को जो है संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया। एक काम, इसी तिथि को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया और राष्ट्रध्वज के फहराने के बाद जो है तुरंत राष्ट्रगान होता है, तो वो भी इसी तिथि को जो है किया गया। तो राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया भारतीय गणराज्य का। तो 24 जनवरी के तिथि को जो कई महत्वपूर्ण, एक तो हस्ताक्षर हुआ, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान और राजेंद्र प्रसाद जी को जो है यहीं पे जो है राष्ट्रपति के रूप में जो चुन लिया गया। अगला डेट आता 26 जनवरी 1950 को, दो महत्वपूर्ण काम, यहाँ पे राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया और भारत का राजकीय चिन्ह जो है वो अशोक के सारनाथ स्थित सिंह के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। थोड़ा सा तकनीकी शब्द लग रहा है लेकिन एक दो बार प्रयास करने पे अच्छे शब्दों का अगर संकलन हो जाए, वार्तालाप की शैली में हम उसका प्रयोग करना सीख जाएं और लेखन शैली में अगर उसको हम प्रयोग करना सीख जाएं तो निश्चित तौर पर आपके स्तर में वृद्धि होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाक्यांश के रूप में होती हैं, वाक्य के रूप में होती हैं और वो विशिष्ट होती हैं, तो उसे याद भी कर लेने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो है भारत का जो राजकीय चिन्ह था उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया और भारत का राजकीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्थित सिंह के स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति है, यानी कि शीर्ष के जो उसका समान भाग था उसी को जो है यहाँ पे राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। क्योंकि 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व जो कि बताया भी गया है के कारण से जो उसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन वाचन हुए थे संविधान निर्माण में, 3 वाचन, 12 अधिवेशन और इसमें 15 महिलाएं जो है वो काम कर रही थी। इससे भी संबंधित सवाल भारतीय संविधान में पूछा गया है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, लगभग 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च भी हुए थे। तो ये व्यवस्थाएं आज के लेक्चर में हम लोगों ने संविधान निर्माण के पूर्व की जो है संध्या पर व्यवस्थाएं और संविधान निर्माण के बारे में जो है चर्चा किया। तो ये टॉपिक जो है, ये लेक्चर जो है पूरे संविधान को, उसकी भावना को, उसकी दिशा को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक जो है हमारा इसी पाठ्यक्रम पर आधारित चलेगा, जो प्रत्येक अगले दिन में जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता रहेगा। तो आप अपनी तैयारी को एक धार देने के लिए एकदम जो है तैयारी में लग जाइए, ताकि निश्चित समय के अंतर्गत आपकी तैयारी पूर्ण हो सके और आप एग्जाम में आत्मविश्वास के साथ जो है पहुँच सकें। आपके लिए इन सभी टॉपिक्स पर आधारित जो भी वैकल्पिक सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, वो भी समय समय पर उपलब्ध किए जाते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जो है काफ़ी कुछ समझ बढ़ी हुई होगी। अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।